हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम साइंस वन की बात करने वाले हैं। चलिए बिना कुछ देरी के साइंस वन के बारे में समझते हैं कि साइंस वन को पढ़ना कैसे है। टेंथ में आके आपके पास दो पार्ट्स हो जाते हैं, साइंस वन और साइंस टू। साइंस वन की हम बात करें तो उसमें हम मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री से डील करते हैं। अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे जिनका इस साल रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें से अक्सर बच्चे आपसे ये कहेंगे कि साइंस वन जो होता है वो टफ होता है। दूसरी चीज़, साइंस वन में जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहली बात, साइंस वन में याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि साइंस वन में हम याद करके आएंगे, क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करेंगे, तो साइंस वन बाय हार्ट करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो पहली टिप तो ये समझ लीजिए कि साइंस वन में बाय हार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, याद करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये आता है कि अगर याद करने के लिए कुछ नहीं है, तब करना क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि जो आपका पेपर है ओवरऑल, वो पेपर में मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो कौन सी आने वाली है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आने वाली है। उसमें हार्डली कुछ ऐसे आंसर्स है जो आपको बाय हार्ट करने हैं, वरना मेजॉरिटी पेपर आपका कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यानी याद रखें, साइंस वन का जो मेजॉरिटी पेपर है वो आपका कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और फिर क्वेश्चन आंसर्स पर जाना है। तीसरी बच्चों की कंप्लेंट ये रहती है, जब आप पढ़ लेंगे तब शायद आपकी भी ये कंप्लेंट हो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। तीसरी बच्चों की कंप्लेंट ये रहती है कि सर जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता। हम समझ भी जाते हैं कि क्या हो रहा है, पर जब लिखने जाते हैं तो जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमको समझ ही नहीं आते। तो इसका मतलब क्या है, कमी कहाँ है, गैप कहाँ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सेकेंड आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास तीन मोड है। पहला, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला मोड है टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक में जितने टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन है उसको करें, हाँ वो तो करना ही है, उसके अंदर रीड करें टेक्स्ट बुक को और टेक्स्ट बैक करें। टेक्स्ट बुक को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर आप टेक्स्ट बुक को नहीं रीड कर रहे हैं तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। टीचर ने कितना भी अच्छा पढ़ा दिया है, आपको कितना भी अच्छा समझ गया है, आपको टेक्स्ट बुक को रीड करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिलअप का मैचअप बन जाएगा, मैचअप का ट्रू ऑफ फॉल्स बन जाएगा, ट्रू ऑफ फॉल्स का गिव रीजन बन जाएगा, गिव रीजन का गिव डिटेल बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक को रीड करके जाना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो PYQs उठाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लीजिए, उसको उठाइए और उसमें से सवाल को कीजिए कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, तब उससे आपको आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर लिया, आपको समझ भी हो गया, आपने रीड भी कर लिया, टेक्स्ट बैक के भी क्वेश्चंस कर लिए। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको पता करना, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे तब वहां से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। तो PYQs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई कि आप PYQs को देख लें। इसके अलावा अगर आपके पास पॉसिबल हो तो किसी के स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपको किसी के स्कूल का क्वेश्चन पेपर हासिल हो सकता है और उनका सिलेबस सेम हो, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को उठा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपके लिए आसानी होगी। वहाँ पर भी आपको देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं साइंस वन को पढ़ने के लिए कि आपको समझना है और क्वेश्चंस इस तरह से करना है। इसके अलावा साइंस वन में बहुत ज़्यादा डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डायग्राम की ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। हाँ, न्यूमेरिकल्स पर बात करता हूँ। साइंस वन में बच्चों को एक बहुत ज़्यादा डर होता है कि न्यूमेरिकल्स के बारे में क्या करेंगे सर, न्यूमेरिकल्स का क्या करना है। अब न्यूमेरिकल्स ऐसा है कि ध्यान दो, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल, जिनको नहीं समझता हो बता दो, न्यूमेरिकल्स वो होता है कि साइंस में भी सम्स आते हैं, आपको नाइन सेट सम्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं और आपको न्यूमेरिकल्स टफ लगते हैं या हार्ड लगते हैं, तो आप पूरे बुक के न्यूमेरिकल्स को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ एक मार्क वाले कर लीजिए, क्योंकि वो MCQ में आ सकते हैं। बताने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल का अलग से कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता कि चार न्यूमेरिकल है, चार में से तीन न्यूमेरिकल कर दो, या पाँच न्यूमेरिकल है तो चार न्यूमेरिकल कर दो। न्यूमेरिकल हमेशा ऑप्शन में आएगा, चार क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो उसमें कोई एक न्यूमेरिकल डाल देगा ऐसा। तो न्यूमेरिकल ऑप्शन में होता है, न्यूमेरिकल बाहर से नहीं आता। तो जितने टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ उतने न्यूमेरिकल्स भी करके चले जाओ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे आसान चैप्टर साइंस में कौन से होंगे, मैं इंशाल्लाह आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अच्छा लगा तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, बाय।